नमस्ते सलाम, वेलकम टू माय शो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। जी हाँ, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में मैं हर बारी ऐसी न्यूज़ लेके आती हूँ जिससे आप रूबरू नहीं होते, क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल होता है और इस कारण से वो न्यूज़ छूट जाता है। तो इसीलिए वो सारी एंटरटेनमेंट की खबरें मैं लाती हूँ जिससे आप हो सके रूबरू और आप जान सके कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का सफर। हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 की स्टार कास्ट को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। बीते दिन पहले मेकर्स की ओर से इस बात का ऐलान किया गया कि एक्ट्रेस तब्बू की जगह इस मूवी के थर्ड पार्ट में विद्या बालन नजर आएंगी। इस बीच अब कार्तिक आर्यन ने ये घोषणा कर दी है कि भूल भुलैया 3 में कियारा आडवाणी को रिप्लेस किया गया है और उनकी जगह एनिमल मूवी फेम तृप्ति धिमरी ने लेनी है। लंबे समय से इस बात की चर्चा जोरों शोरों से चल रही थी कि कार्तिक आर्यन स्टारर भूल भुलैया 3 में तृप्ति धिमरी एंट्री लेती हुई नजर आ सकती हैं। तो अब कार्तिक ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म की नई एक्ट्रेस को लेकर एक सस्पेंस पजल गेम खेला और फैंस से अदाकारा का नाम गैस करने के लिए बोला। पोस्ट में मौजूद फोटो की हल्की सी झलक देखने से इस बात का पता चल गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल में जोया का रोल प्ले करने वाली तृप्ति है। इस जानकारी के बाद ये साफ कहा जा सकता है कि तृप्ति ने भूल भुलैया 3 में कियारा आडवाणी को रिप्लेस कर ही दिया है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां रिलीज से काफी पहले से ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में पहली बार दो एक्शन स्टार टाइगर और अक्षय एक साथ दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं इस फिल्म में मेन विलन के तौर पर साउथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन दिखाई देने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ वक्त से AI चर्चा में है, अब ये शब्द आपको अक्षय और टाइगर की फिल्म में भी सुनाई देने वाली है। जी हाँ, दरअसल बड़े मियां छोटे मियां में पृथ्वीराज सुकुमारन एक ऐसे साइंटिस्ट का किरदार निभा रहे हैं जो AI का गलत इस्तेमाल करता है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार का नाम कबीर होने वाला है। फिल्म में पृथ्वीराज के कैरेक्टर को बेहद इंटेलिजेंट दिखाया गया है। वो विलन तो हैं, लेकिन वो अपनी ताकत आम विलन की तरह इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके फाइट करता है। इस फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर पहले ही बता चुके हैं कि बड़े मियां छोटे मियां एक्शन लवर्स के लिए ट्रीट होगी। इस फिल्म में ऐसे एक्शन का वादा किया गया है जो रियल लगने वाला है। सनी देओल ने पिछले साल गदर 2 से बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया था और इस वक्त उनके खाते में कई बड़ी फिल्में हैं। लेकिन सनी देओल जिस पिक्चर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं वो है लाहौर 1947। फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं जबकि राजकुमार संतोषी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म की पूरी कास्ट फिलहाल फाइनल नहीं हुई है, इसके लिए लगातार काम चल रहा है। जहां इसमें प्रीति जिंटा और अभिमन्यु सिंह का नाम सामने आया था, वहीं अब खबरें ये हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ मिर्जापुर वाले गुड्डू भैया भी जुड़ गए हैं। वैसे आपको बता दें, लाहौर 1947 इस साल रिलीज नहीं होगी, लेकिन लाहौर 1947 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शुक्र है शुक्रवार है, ऐसा इसीलिए क्योंकि आज आप सिर्फ 99 रुपए खर्च करके कोई भी फिल्म देख सकते हैं। आई ना आई, स्माइल आई आपके चेहरे पे। जी ये मजाक नहीं बल्कि सच है। बीते कुछ हफ्तों से सुस्त पड़ी टिकट खिड़कियों पर रौनक बढ़ाने के लिए आज सिनेमा लवर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। देश की प्रमुख मल्टीप्लेक्सेस चेन लिमिटेड ने ये खास ऑफर लोगों को दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त जहां थिएटर्स में पहले से ही तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, फाइटर और कुछ खट्टा हो जाए मौजूद है, वहीं आज रिलीज हुई है 3 फिल्में, क्रैक, आर्टिकल 370 और ऑल इंडिया रैंक भी। तो इसी बीच इस घोषणा से लोगों के मन में लड्डू फूटा। जी हाँ, लोग सिर्फ 99 रुपए खर्च करके अपनी कोई भी मूवी देख सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं। साथ में प्रीमियर सिनेमा फॉर्मेट और रिक्लाइनर सीटों पर भी बड़ा डिस्काउंट दिया जाएगा।
बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा का टीजर रिलीज हो चुका है जो काफी धमाकेदार नजर आ रहा है। इस टीजर से ठीक पहले हवा में फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था और इसी के साथ टीजर की रिलीज डेट की घोषणा हुई थी। बताया गया था कि इस पोस्टर रिलीज ने इतिहास रच दिया क्योंकि इसे 13,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में लहराया गया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चे भी हुए थे। आपको बता दें कि सागर आम्ब्रे और पुष्कर ओझा के निर्देशन में बनी योद्धा बहुत जल्द 15 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। करण जौहर की इस फिल्म के धांसू टीजर ने दर्शकों को गदगद कर दिया है। एक बार फिर से सिद्धार्थ देश की सिपाही की भूमिका में शानदार दिखने वाले हैं। इस फिल्म में पहली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दिशा पाटनी नजर आएंगी। इन दोनों के साथ राशि खन्ना भी दिखने वाली है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के टीजर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। फिलहाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में इतना ही। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।